हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग मेटलर्जी देख रहे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और उसके अंदर हम लोग फेरस यानी कि आयरन का एक्सट्रैक्शन, कॉपर का एक्सट्रैक्शन, उसके बाद निकेल था, एल्युमिनियम, ये सब देख चुके हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट है जो जिंक है, तो आज हम लोग सीखेंगे जिंक का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो कभी कभी पूछता है, मेन पॉइंट्स लिखने बोलता है कि जिंक ब्लेंड से जिंक का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, उसका मुख्य बिंदु पर या मुख्य बिंदु को लिखें, है ना, मुख्य बिंदु का विवेचना करें या फिर लिखें या स्पष्ट करें। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे आपको बताएंगे कि जिंक सल्फाइड से, जिसको जिंक ब्लेंड बोलते हैं, जिंक ब्लेंड से जिंक का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो इसमें कुछ प्रोसेस है, उसको लिखना है। जैसे सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन हो, उसके बाद फिर आएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन के बाद रोस्टिंग होता है, है ना, रोस्टिंग देखेंगे, उसका रिफाइनिंग देखेंगे, तो इस तरह से उसका रिडक्शन देखेंगे, उसके बाद रिफाइनिंग देखेंगे। तो कैसे किया जाता है जिंक का, जिंक मतलब जस्ता होता है, जिंक का मतलब क्या होता है, जस्ता, और जस्ता का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, जिसे जमीन के अंदर से कैसे निकालेंगे, निकालने के बाद का प्रोसेस जो है आपको, जैसे उसको कॉन्सेंट्रेशन कैसे किया जाता है, कॉन्सेंट्रेशन इसको तो फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड से किया जाता है। फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड क्या होता है, एक बहुत बड़ा बर्तन होते हैं, उसमें पैडल लगा होता है, और उसमें जो होता है फैन टाइप का वो लगा होता है, जैसे बाल्टी में सर्फ घोरते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम लोग घुमाते हैं, है ना। तो उसमें आपका वाटर डालते हैं, कुछ ऑयल डालते हैं, है ना, तो चीड़ का ऑयल होता है, है ना, और चीड़ का ऑयल डालते हैं, इसलिए डालते हैं ताकि वो क्या करता है, झाग बनाता है। उसमें क्या करते हैं, जिंक का पाउडर डालते हैं, तो जिंक का जो पाउडर होता है वो झाग के साथ ऊपर आ जाता है, और बाकी जितने भी इम्प्योरिटी होता है भारी होने के कारण, ज़्यादा ग्रेविटी होने के कारण वो नीचे बैठ जाते हैं। झाग को हम लोग ऊपर क्या करते हैं, ऊपर निकाल लेते हैं, उसको सुखाते हैं, उसको क्या करते हैं, सुखाते हैं, फिर इसको रोस्टिंग करते हैं। तो कहने का मतलब याद रखिएगा, सल्फाइड्स और को जितने भी सल्फाइड्स और है, उसका कॉन्सेंट्रेशन मतलब फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से किया जाता है। याद रखेंगे, कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है फ्रोथ फ्लोटेशन, क्या बोलते हैं इसको, फ्रोथ फ्लोटेशन यानी कि झाग उत्प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है, झाग प्लवन या उत्प्लवन। तो झाग प्लवन विधि के द्वारा हम लोग जिंक को क्या करते हैं, सांद्रित करते हैं। तो आज देखते हैं हम लोग इसके बारे में क्या क्या आपको जानकारी मिलने वाला है, वो थोड़ा ध्यान देंगे, और आज हम लोग सीखेंगे कि जिंक का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो चलिए हम लोग फटाफट क्या करें, कॉपी कलम लेके बैठ जाएं और जल्दी से इसको हम पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ने के बाद अब बहुत जल्दी ये ख़त्म होने वाला है, एक लेक्चर या दो लेक्चर मैक्सिमम और होगा, उसके बाद आपका इनऑर्गेनिक का जो मेटलर्जी है 6 नंबर चैप्टर वो ख़त्म हो जाएगा, जो कि क्योंकि छोटा चैप्टर था, आपको पहले बता दिए थे, और इसमें नंबर्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 5 नंबर्स आपका फिक्स है मिनिमम, मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव वगैरह मिला के 6 भी रह सकता है, 7 भी रह सकता है, 8 नंबर भी पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी जिंक का निष्कर्षण। तो चलिए कॉपी कलम लेके जल्दी से बैठ जाए। अब देखिए इसका सबसे पहले एक्सट्रैक्शन देखते हैं। तो जिंक का एक्सट्रैक्शन जो है जिंक ब्लेंड से करेंगे। जिंक ब्लेंड का सूत्र होता है ZnS, क्या होता है ZnS। तो ZnS का निष्कर्षण कैसे किया जाता है समझिए। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जिंक ब्लेंड का पाउडर बनाते हैं, ZnS को क्या करते हैं, पाउडर बनाते हैं, क्रश करते हैं। पाउडर बनाने के बाद उसको फैन उत्प्लवन या फैन प्लवन या झाग प्लवन विधि के द्वारा उसको अलग कर लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि झाग प्लवन विधि के द्वारा, जैसे आपका जिंक ब्लेंड का जो और होता है वो हल्का होता है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, पानी में कुछ ऑयल वगैरह डाल के और उस पैडल को घुमाते हैं, जैसे आप सर्फ को पानी में डालिए, घोलिए, तो क्या होता है, झाग बनता है, ठीक उसी तरह झाग बनता है। झाग के साथ जो है जिंक ब्लेंड हल्का होने के कारण कहाँ चला आता है, झाग के साथ ऊपर आ जाता है।
झाग के साथ ऊपरी सतह में आ जाता है, उसको क्या करते हैं हम लोग अलग कर लेते हैं, और अलग करने के बाद उसको सुखा लिया जाता है। दूसरा जो है रोस्टिंग, दूसरा क्या है आपका रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या किया जाता है, जो पाउडर है जिंक ब्लेंड का जो पाउडर है उसको फर्नेस यानी कि भट्टी में डाला जाता है। किस में डाला जाता है, भट्टी में। भट्टी में डाल के मतलब वायु की उपस्थिति में उसको रोस्टिंग किया जाता है। रोस्टिंग मतलब उसको भर्जित किया जाता है, जलाया जाता है, गर्म किया जाता है। इस प्रोसेस में जो है हमें जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, जिंक ऑक्साइड, जिसको ZnO बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ZnO। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखिएगा, आराम से इसको लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पे जिंक ब्लेंड या जिंक इज एक्सट्रैक्टेड बाय जिंक ब्लेंड, मतलब जिंक का निष्कर्षण जिंक ब्लेंड से किया जाता है। कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रण इसको बोलेंगे। इसका सांद्रण कैसे होता है, देखिए द ऑर इज क्रस्ट एंड मेड पाउडर। तो आयस को क्या किया जाता है, पाउडर बनाया, तोड़ा जाता है। तोड़ के क्या बनाते हैं, पाउडर बनाते हैं। द क्रस्ट ऑर इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। और जो क्रस्ट मतलब चूर्णित या टूटा हुआ जो आपका क्या बोलते हैं और है, अयस्क है, उसको फ्रोथ फ्लोटेशन मतलब झाग प्लवन विधि के द्वारा हम लोग सांद्रित करते हैं। द कॉन्सेंट्रेटेड और गोज टू द सरफेस अलोंग विद द फ्रोथ। इसका मतलब होता है जो कॉन्सेंट्रेटेड और होता है वो झाग के साथ ऊपरी सतह में आ जाता है। दिस इज रिमूव्ड एंड ड्राइड, इसे बाहर निकाल के सुखा लिया जाता है। झाग के साथ उसको बाहर कर लेंगे, उसको क्या करते हैं, सुखा लेते हैं। पहले लिखा हुआ है जिंक के आयस को तोड़कर चूर्ण बनाया जाता है। झाग उत्प्लवन विधि द्वारा इनके अयस्क को सांद्रित किया जाता है। सांद्रित अयस्क झाग के साथ ऊपरी सतह में आ जाता है और इन्हें अलग करके सुखा लिया जाता है। पहला प्रोसेस हो गया कॉन्सेंट्रेशन का। दूसरा क्या है, रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब भर्जन। द कॉन्सेंट्रेटेड और इज रोस्टेड इन ए फर्नेस एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर कहे तो 900 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, मतलब वायु की उपस्थिति में। इन दिस प्रोसेस जिंक ब्लेंड इज कन्वर्टेड इंटू ZnO, जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रोसेस में जिंक ब्लेंड जो है जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है। देख क्या लिखा हुआ है, सांद्रित अयस्क को वायु की अधिकता में उच्च ताप कहे तो 900 डिग्री सेल्सियस पर भर्जित किया जाता है, मतलब जलाया जाता है। भर्जित किया जाता है मतलब जलाया जाता है। इस प्रक्रिया में जिंक ब्लेंड ZnO में परिवर्तित हो जाता है। जिंक ब्लेंड जो है, जिंक ब्लेंड को क्या बोलेंगे, जिंक ब्लेंड को ZnS बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ZnS। इस प्रक्रिया में जिंक ब्लेंड किसमें बदल जाता है, ZnO। मतलब आप याद रखिएगा, व्हाट हैपेंड व्हेन जिंक ब्लेंड इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तब बोलिएगा जिंक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, यदि जिंक ब्लेंड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो क्या बनता है आपका, आपका बनता है जिंक ऑक्साइड। तो ये दो प्रोसेस है, और बताते हैं इसको क्या करें, फटाफट नोट कर लें, इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट समझिए, लास्ट पॉइंट है इसका, है ना। उसके बाद रिएक्शन देख लीजिएगा, जो रोस्टिंग किए थे, ZnS है जिंक ब्लेंड इसको बोलेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। तो ये बदल जाएगा जिंक ऑक्साइड में, आपको जिंक ऑक्साइड मिलेगा। अब रिडक्शन, तीसरा पॉइंट क्या है आपका, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब अपचयन होता है। तो ZnO इज रोस्टिंग विथ कार्बन एंड ऑब्टेन जिंक मेटल इन मोल्टेन स्टेट। इसको फिर से क्या किया जाता है, जिंक ऑक्साइड को यानी कि ZnO को कार्बन के साथ भर्जित करने से क्या होता है, गलित अवस्था में जिंक धातु प्राप्त होता है। जैसे रिएक्शन इसका देखिए, ZnO प्लस C है, जिंक ऑक्साइड में कार्बन को मिलाएंगे, गर्म कर देंगे सिंपली, तो आपको पिघला हुआ जिंक मिलेगा और कार्बन ऑक्साइड कंबाइन हो जाएगा। कार्बन और ऑक्साइड आपस में कंबाइन होकर गैस बन के बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट आपका प्यूरिफिकेशन, मतलब शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। तो देखिए कॉपर का हो गया, याद रखिए कॉपर एल्युमिनियम या फिर जिंक वगैरह का जो है शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन किया जाता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से। कौन सा प्रोसेस से किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से किया जाता है, याद रखेंगे। किसका किसका, एल्युमिनियम का, कॉपर का, जिंक का, जो बहुत कम रिएक्टिव होता है
इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसका शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन किया जाता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस क्या होता है देखिए, जैसे मान लिया जाए इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में क्या लिया जाता है, कंटेनर लिया जाता है बड़ा सा, इस में बता रहे हैं आपको। उसके बाद क्या किया जाता है, एक प्योर, मान लीजिए प्योर जिंक है और ये इम्प्योर है, या फिर मान लें ये इम्प्योर जिंक है, इम्प्योर मतलब अशुद्ध जिंक का छड़ है, और ये आपका शुद्ध जिंक का छड़ है, ये इम्प्योर जिंक का छड़ है और ये आपका शुद्ध जिंक का छड़ है। दोनों को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डाल दिया जाता है, दोनों को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डाल देंगे। डालने के बाद क्या होता है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो होता है ZnSO4 होता है, है ना, यहाँ पे देखिए लिखा होगा, जिसमें डुबाया जाता है ZnSO4 होता है, क्या होता है ZnSO4 होता है। तो जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसको डुबा रहे हैं, एक शुद्ध, एक अशुद्ध, एक शुद्ध जिंक के रड को, उसमें रहता है जिंक सल्फेट रहता है, क्या रहता है जिंक सल्फेट रहता है, तो उसमें डुबा दिया जाता है। डुबाने के बाद जब इसमें करंट देंगे तो अशुद्ध जिंक पिघल जाएगा, जैसे ये जिंक का क्या है अशुद्ध है, ये क्या हो जाएगा पिघल जाएगा। पिघलने के बाद जो अशुद्ध जिंक है, मतलब ये पिघल जाएगा अशुद्ध जिंक, अब पिघलने के बाद इसमें जो शुद्ध जिंक होगा, इसमें जो शुद्ध जिंक होगा वो आपका जो है कैथोड पर आके, वो कैथोड पे आके, मतलब शुद्ध जिंक पर आके, शुद्ध वाला जो है शुद्ध पे आके जमा हो जाता है, शुद्ध पे आके क्या होता है जमा होता है। उसके बाद इस रॉड को क्या किया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। उसके बाद जो इसमें चिपका होता है जिंक, उसको फिर साइड कर लिया जाता है। तो इस तरह इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। तो याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल होता है, है ना। देखिए क्या बोल रहा है, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ भर्जित करने पर गलित अवस्था में जिंक धातु प्राप्त होता है। प्यूरिफिकेशन शुद्धिकरण, इम्प्योर जिंक इज प्यूरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। सबसे पहले तो ये बात याद रखना पड़े कि जिंक का शुद्धिकरण किस प्रोसेस से किया जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है, इम्प्योर जिंक रॉड इज यूज एज एनोड एंड प्योर जिंक रॉड इज यूज एज कैथोड। इस प्रोसेस में क्या होता है, मतलब जिंक अशुद्ध जिंक का रड यानी कि छड़, अशुद्ध जिंक का छड़ का उपयोग एनोड के रूप में प्रयोग किया जाता है, और जो शुद्ध जिंक होता है उसका उपयोग किया जाता है आपका कैथोड के रूप में, ठीक है। दिस रॉड आर्स, यहाँ लिखा हुआ है दिस रॉड्स आर डिप्ड, डिप्ड का मतलब डुबाना, डिप्ड का मतलब क्या है डुबाया। दिस रॉड्स आर डिप्ड इन ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटेनिंग ZnSO4 एंड ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइसिस इम्प्योर जिंक इज डिजॉल्व्ड, मतलब घुल जाता है, एंड प्योर जिंक इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन कैथोड, कैथोड मतलब कैथोड ही बोलेंगे, है ना। और जो शुद्ध जिंक जो है कहाँ पे जमा हो जाता है, कैथोड पर, शुद्ध जिंक कैथोड पर जमा हो जाता है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, अशुद्ध जिंक का शुद्धिकरण वैद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है, अभी पहले बताया इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस जिसको बोलते हैं। इस प्रक्रिया में अशुद्ध जिंक छड़ का उपयोग एनोड के रूप में किया जाता है, तथा शुद्ध जिंक छड़ का उपयोग कैथोड के रूप में किया जाता है। इन छड़ों को वैद्युत अपघटनी सेल में डुबा दिया जाता है या डुबाया जाता है, जिसमें क्या होता है ZnSO4 उपस्थित रहता है, तथा वैद्युत अपघटन के कारण अशुद्ध जिंक घुल जाते हैं और शुद्ध जिंक कैथोड पर जमा हो जाते हैं। इस तरह से क्या होता है, हमें प्योर जिंक प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है। अब ये भी ये क्वेश्चन पूछ देगा जिंक का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये 5 नंबर में। और नहीं तो फिर आपका जो है ये भी पूछा जा सकता है कि जिंक का प्यूरिफिकेशन यानी कि शुद्धिकरण किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से किया जाता है। कैसे किया जाता है, कॉपर एल्युमिनियम ये सब का जो होता है शुद्धिकरण इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के द्वारा ही किया जाता है। तो इस तरह से आज हम लोग देखें जिंक का निष्कर्षण कैसे किया जाता है जिंक वैलेंट से, उसका जो मेन पॉइंट था सब लिखवा दिए, और ये 5 नंबर्स में पूछे जा सकते हैं, 2 नंबर्स में पूछे जा सकते हैं, 2 तो नहीं बोलेंगे जब भी पूछेगा 5 नंबर्स, और यदि 2 नंबर में पूछता है तो इसका कुछ प्यूरिफिकेशन पूछ देगा। मान लीजिए प्यूरिफिकेशन ऑफ जिंक क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय प्यूरिफिकेशन ऑफ जिंक, या प्यूरिफिकेशन ऑफ जिंक कैसे किया जाता है, तो उसके बारे में बोलेगा तो 2 मार्क्स रहेगा, क्या रहेगा 2 मार्क्स। तो यदि आपका देखिए थ्योरी पार्ट क्लियर है तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं, 2 मार्क्स भी बना सकते हैं। तो आप देखते हैं इस चैप्टर में बहुत कम टॉपिक बचा हुआ, मतलब लास्ट है,
कहने का मतलब एक लेक्चर और होगा, मुश्किल से एक या दो लेक्चर, मैक्सिमम दो, मिनिमम एक लेक्चर और है, ये चैप्टर खत्म होगा। उसके बाद सबसे बड़ा चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, वो है पी ब्लॉक, और उसमें 8 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं। कितने नंबर्स? 8 नंबर, मतलब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिला के कितने होते हैं? 8 नंबर्स होते हैं। तो उस पर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसको आप लोग क्या करें, फटाफट नोट्स कर लें और टाइमली आप लोग रेडी रहें क्लास करने के लिए, है ना। तो ठीक है बच्चे, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।